गुस्सा नफरत ज्यादा आ रही है या वो खुद नु खत्म कर रहा है या फिर दूसरे नु खत्म कर। तुसी अभी एक अमली मिसाल देखो, एक सोमालियन कजाका ने जो उन्होंने लूट लिया उसे रखे, अजीब कानून है आलमी सतह से अकवामी मुतहदा दुनिया में हर मसले में हल कर दिए, इन्हें कजाका कोई नहीं पकड़ता, ये कैसे लोग ने। और अगर तुम ये तहकीक करोगे तो इन्हों के पिछे भी थानू उ आलमी सतह के पिट्ठू नजर आएंगे जेड़े इन्हों जहाजा इस तरह पकड़ लेंगे। हम वो जहाज बेचारा सफर के बच्चे कभी उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, कभी उन्होंने रास्ता नहीं मिलता, कभी वह की हो जाए, अजे तक वो नहीं पहुँच पा रहे। वो इंसान बनी साहब भी लगे ने, साडे इदारे भी कोशिश कर रहे हैं, सारे मामले इंडिया का जो किरदार इस तरह का रहा है कि इंडिया ने अपने जो अमले के अरकान से उन्होंने भी बचाने से कुछ नहीं किया, सब कुछ पाकिस्तान ने किया। तो जो पाकिस्तान का PNS बाबर जोड़ा है उन्होंने मदद वास्ते उठे गया, तो अब इंडिया ने एहतजाज करना शुरू कर दिया है कि जी सानू इतलाह देते बगैर PNS बाबर जोड़ा है उन्हें इंटरनेशनल पानिया में मूव किया, तो ये साढ़े खतरात जोड़ा है इजाफा होया। इस गल तो अंदाजा ला लो कि जी पूरी दुनिया है और इस मामले में किस तरह लै रही है। लेकिन जिस तरह इंसान बदनी साहब के भाई का जिक्र किया है, मौत बरहक के हर एक ने जाना है, इसी तरीके इदारा जोड़ा वे असी खुद साढ़े साथी जोड़े ने सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की पोलिटिकल सैकटरी ने रुखसाना बंगे साहब उन्होंने वालदा का भी इंतकाल है, साडा इदारा उन्होंने नजारे ताजियत करता है और असं उस गम के बराबर के शरीक हाँ। ये चीजा जरूर ने लगिया रहेंगे, फिर नाल जो असं ताजियत की गल करनी इस तरह के किरदारों की गल करनी, तो फिर असं ख्वाजा परवेज साहब की गल करा जिन्होंने अपनी जिंदगी बेपनाह जोड़े इस तरह के सोच से मबनी और एक जज्बात से मबनी चीजा आवाम तक मुंतकिल किया और उन्होंने एहसास जज्बात में खूबसूरत। देखो उन्होंने अपनी गीत से कि तेरी महफिल से ये दीवाना चला जाएगा, बिल आखिर वो चले गए इस दुनिया ने छोड़ छाड़ के, बिल आखिर बंदे ने इस दुनिया ने छोड़ना है, इस दुनिया तो चले जाना है। लेकिन सवाल ये कि क्या वो इतना अमल करके जा रहे, इतना बेहतर काम करके जा रहे कि तारीफ भी इन्हें याद रखे और लोग भी इन्हें याद रखे। उन्होंने हजारा लाफानी गीत तख्लीक किए थे, पाकिस्तान का मेरे ख्याल कोई ऐसा बड़ा गुलकार नहीं है जिन्होंने उन्होंने तख्लीक किए हुए गाने नहीं गाए थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री वास्ते उन्होंने बहुत ज्यादा खिदमत सी, मलका तरन नूर जहां तो लैके जो भी बड़ा ना तुसी ले लो पाकिस्तान का, उन्होंने उन्होंने तख्लीक किए गीत गाए थे, हर बड़े मौसीकार ने उन्होंने लिखे गीतों कंपोज किया। आखिरी उम्र तक हूँ अज जरा उन्होंने दिल का दौरा पे उस तो पहले शुगर की वजह तो थोड़ा जा बीमार रह रहे थे, आखिरी उम्र तक उन्होंने अपनी जगह से मौजूद रहे हैं। इस तरह के जो लाफामी किरदार ने चाहे वह सियासत के चाहे किसी स्पोर्ट्स के चाहे उन्होंने कोई दुनिया शोबिज की हो, अगर अच्छा किरदार करके जाते हैं तारीख हमेशा उन्होंने याद रखती है और ऐसे ही लोग होंगे ने जो लाफामी किरदार के मालक होंगे ने। टाइम बिल्कुल मुक गया, चाहे तो लोग आसानी से गल कर रहे थे ख्वाजा परवेज साहब के हवाले के जरा भी अपनी फील्ड कोई भी ऐसा काम करेगा तो लोगों ने हमेशा याद रखेंगे। अल्लाह ताला ने हर किसी के जिन्हें कोई ना कोई काम लाया हुआ है और सिर्फ बुजुर्ग को समझती है कि अपने जिन्हें का जो काम है उन्हें जो बंदा ईमानदारी अंजाम दे दे तो शायद अपना जाति भी तो मुल्क भी सारे के सारे मसाइल आ जाएंगे। जी जिस तरह इमरान साहब गल कर रहे थे, मैं उन्होंने गल कर रहा था कि क्या तुम अपने अमल तो खुश हो, मुतमिन हो, तो जो तुम रोल मिलिया कर रहे हो। मोहतमा शहीद बेहद ही भुट्टो अज इतने मौजूद नहीं है, दुनिया के नहीं है, भुट्टो साहब नहीं है या फिर इस तरह के लाफानी किरदार करने वाले लोग जोड़े ने वो नहीं मौजूद, लेकिन तारीफ के महफूज ने। और ये हवाले में जैकली मतलब एक चीज मैं थानू सुनाना चाहना कि अफसोस न कर मेरा चंद माही तकदीर हकीर फकीर की महताब सदीक रुल वैसे कर फिक्र न मेरिया नीर की अब जैकम वैसी मकतल में तेरे मर्जी है तारीखों की जरा निकल के पार देख लेंगे जब खड़क सुने जंजीर दे क्या जंजीर की खड़क थानू नजर आ रही है क्या बेनजीर की सदा थानू सुनाई दे रही है क्या मंशूर याद है भुट्टो साहब का अगर है तो ठीक है अगर नहीं है तो फिर एक साहब ज्यादा भी अपना अल्लाह ने देगा।